मेकिंग में भी डिफरेंस है एंड टेक्नोलॉजी में भी डिफरेंस है, और जो ट्रेंड चलती है उसके हिसाब से हम लोगों को भी समय समय पर बदलना पड़ता है। टैलेंट से ज़्यादा लोगों को जो है ना ड्रेसिंग में और यू नो ग्लैमर में ज़्यादा निर्भर रहते हैं, पर ये लॉन्ग रन में परफॉर्मेंस के लिए बहुत स्कोप होता है, क्योंकि यहाँ जहाँ पे माफिया हो और जहाँ पे यू नो गुंडे राज चलता है, तो वहाँ पे हम लोगों को आदरणीय हमारे महाराज जी योगी जी इनको काबू में लाने के लिए कोशिश करते हैं, सजा दिलाने के लिए कानून है तो कानून के ऊपर छोड़ते हैं ना। अच्छे माहौल पर हमारे जीवन और खास तौर हमारे आम जनता को रक्षा करने वाला योगी जी को मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ। बॉलीवुड में अपने काम से और राजनीति में अगर बात करें तो अपने बयान और बेबाक अंदाज से हमेशा सुर्खियों में रहने वाली अभिनेत्री और नेता जया प्रदा जी आज हमारे साथ हैं। जया जी, सबसे पहले तो In24 में आपका स्वागत है। जिस तरह से बात करें बॉलीवुड तो कलाकारी की तरह की बात करें, काम को लेकर आपने हमेशा लोगों के दिलों पर राज किया है, तब की फिल्में और आज की फिल्मों में कितना डिफरेंस देखती, क्योंकि एक्टिंग में कुछ बदलाव हुआ है। बिल्कुल है, बिल्कुल पहले फिल्म और आज के जो फिल्म मेकिंग में भी डिफरेंस है एंड टेक्नोलॉजी में भी डिफरेंस है, और जो ट्रेंड चलती है उसके हिसाब से हम लोगों को भी समय समय पर बदलना पड़ता है, एक्टिंग में हो चाहे टेक्नोलॉजी को सीखने में हो, तो ये सब जो है यूथ को कनेक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जिस तरह से पहले की फिल्मों की बात करें तो लोग फैमिली के साथ बैठ के देख सकते थे, आज की फिल्मों की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं लोगों में अब असहजता महसूस होती है, क्या कहेंगी तब आपके समय की जो फिल्में थी और आज की फिल्मों की, और खास ही अगर बात करें तो अभिनेत्रियों को लेकर आज जितना ओपन माइंडेड है, क्या पहले भी ऐसा था? देखिए, मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि हर फील्ड में जी इसमें प्लस और माइनस भी है, आप अपने स्वयं आपके जो विचार के अनुभव और क्या सही है क्या गलत है इसके हिसाब से हम लोगों को चलना होता है। लेकिन ज़्यादातर फिल्म दुनिया के जो संबंधित लोग होते हैं उनको समाज में पता नहीं है एक शक के नज़र से हम लोगों को देखने का एक आदत पड़ गई है। जैसे इसमें सम्मान भी है, ऐसा नहीं है, क्योंकि कला को हम जिस तरह हम बड़े पर्दे पर लोगों को एक मैसेज देते हैं, कितने परिवारों को हम प्रेरणा देते हैं उसके हिसाब से भी देखेंगे तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, क्योंकि जयप्रदा के नाम से हर घर में मुझे बहुत प्यार है, क्योंकि वो लोग मुझे एक भाभी के रूप में, एक बहू के रूप में, एक बेटी के रूप में देखा है। मैं भी उसी तरह के किरदार हमने निभाने की कोशिश की। जब ग्लैमर और परफॉर्मर्स के बीच में जो क्लैश होता था, तब मैं कभी भी ग्लैमर के लिए, ग्लैमर तो है ही, ग्लैमर के साथ साथ परफॉर्मेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो हम आजकल देख रहे हैं इसमें टैलेंट से ज़्यादा लोगों को जो है ना ड्रेसिंग में और यू नो ग्लैमर में ज़्यादा निर्भर रहते हैं, पर ये लॉन्ग रन में परफॉर्मेंस के लिए बहुत स्कोप होता है। एंड आजकल जो स्क्रिप्ट्स आते हैं बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो स्क्रिप्ट्स को हम यू नो सेलेक्ट करने का, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट होता है। मैम, जिस तरह से आपने कहा कि कलाकार और अपनी प्रतिभा से लोगों के दिल पर राज आपने किया है भाभी के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में, लेकिन आज अगर पब्लिसिटी की बात करें तो लोग पब्लिसिटी पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। हाल ही में आपकी ही पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव जी ने सदन में भी आवाज उठाया था कि रील में आज उस तरह के कपड़े पहन जा रहे हैं कि आंखें नीची करनी पड़ती है, क्या लगता है? उस नजर से क्यों देखना है आपको, जब आप नहीं देखेंगे तो आपको दिखेगा नहीं है, लेकिन उसी नज़र से सब लोग अगर देखना शुरू करेंगे तो वाकई में मैं ये बताना चाहती हूँ, इंडस्ट्री जो है, इंडस्ट्री के लोगों से ज़्यादा बाहर के जो मॉडर्न जनरेशन जो है वो इसमें बहुत इच्छुक दिखाते हैं, क्योंकि वेस्टर्न को हम अडॉप्ट करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोगों के लिए वेस्टर्न स्टाइल इतना प्रचारित में नहीं था पहले, लेकिन अब जो है हम वेस्टर्न स्टाइल को अडॉप्ट करने के चक्कर में हम लोग को इस तरह के जो मॉडर्न ड्रेसेस के लिए
आजकल वो यूथ पर्टिकुलरली वो यू नो इट्स अ स्टाइल, तो स्टाइल को मेंटेन करना तो फिर लड़कियां तो करेंगी, अब इस उम्र में नहीं करेंगे तो कहाँ। पहले हिंदी पिक्चर फिल्म थी, फिर शॉर्ट फिल्म आई, अब जिस तरह से वेब सीरीज आई, अब शॉर्ट फिल्मों का जमाना है। क्या जयप्रदा जी को आने वाले समय में लोग वेब सीरीज या शॉर्ट फिल्में देखेंगे? देखिए मैं तो कभी छोड़ा ही नहीं है फिल्म, तेलुगु नहीं है तो मैंने बंगाली किया, बंगाली नहीं है तो फिर पंजाबी में आई, लगातार मैं करती रही। अब जो आने वाले जो फिल्म है, तो अभी मैं फौजी कर रही हूँ विद मिथुन दा एंड प्रभा जी के साथ, इट्स अ वेरी बिग फिल्म। एंड द अदर थिंग इज अभी रिवाज फिल्म हिंदी आ रही है, वेब सीरीज तो रिलीज हुई है, तो अभी मैं आने वाले दिनों में ज़्यादा फिल्म्स में फोकस भी कर रही हूँ। एंड टच वुड, तो फिर मैं जब भी मैंने इंडस्ट्री के लिए मैंने आवाज़ दी कि मुझे काम करनी है, और मुझे क्योंकि जनता मुझे चाहती है जी, इसलिए मैं जब मौका है तो करने में और भी इम्पोर्टेंट स्क्रिप्ट्स को करना चाहती हूँ, इम्पोर्टेंट पावरफुल। तो क्योंकि पहले जयप्रदा में अब के जयप्रदा में बहुत अंतर है, पॉलिटिक्स मेड मी वेरी स्ट्रॉन्ग, तो एक स्ट्रॉन्ग वुमन पावर ज़रूरी है इस समाज में, क्योंकि कोई भी हमें नीचे दिखाने के लिए कोशिश करते हैं या उंगली उठाने के लिए कोशिश करते हैं, या पॉलिटिक्स में हम लोगों को ऐसे जो हमारी इमेज को धूमिल करने के लिए कोशिश करते हैं, तो इनको रिटेलिएट करना बहुत ज़रूरी होता है। आजकल चुप रह के एक चांटा मारेंगे तो दूसरी गाल दिखा दे, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। जैसे आपने कहा कि जनता मुझे चाहती है, और मैं पॉलिटिकली भी अब स्ट्रांग हो चुकी हूँ क्योंकि आप सांसद रह चुकी हैं और ऐसे क्षेत्र से रही हैं जहाँ वो हमेशा विवादों में रहा हो, लेकिन अगर बात करें अब आपको, सबसे बड़े तो आपको मुबारक कि एक बार आपको एक नई दिशा में, एक नए केस में जो है आपको बरी कर दिया गया है, उस केस को लेकर क्या कहेंगी? देखिए ये पॉलिटिक्स में हम लोग तीन बार मैं सांसद रही और उसी क्षेत्र से रही कि वो जो यूपी में रामपुर, मैं जब सांसद थी उस वक्त 2012 में मैंने एक सड़क बनवाई और वो सड़क उद्घाटन और लोक अर्पण भी हो गई है, हो चुकी है। तो 19 में मैं बीजेपी से एक प्रत्याशी के रूप में आई, तो जब लोकार्पण करने के बाद फिर बात कहाँ उठी है कि मैं फिर से उसको उद्घाटन कर रही हूँ सड़क को, और उसका रिबन कटिंग किया था, इस तरह का एक फोर्स करने वाला एक मॉफ्ट वीडियो बना के इसको हमारे ऊपर, हमारे खिलाफ ये रजिस्टर केस रजिस्टर किया था, ये मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा जनता को मालूम है कि कभी मैंने जीवन में ऐसे कोई गलत काम नहीं किया था। तो ये कोड ऑफ कंडक्ट उल्लंघन के नाम से, आचार संहिता के उल्लंघन के नाम से हमारे ऊपर केस दर्ज किया था, लेकिन जो लोग मेरे इमेज को धूमिल करने के लिए या मेरे को वो 90 दिन जो मेरे जीवन का परेशानी किया, मैं उन लोगों को छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे ये केस के वजह से मुझे रामपुर में टिकट नहीं दिया, और ये इस केस के वजह से मुझे पॉलिटिक्स से दूर रखना पड़ा, तो मैं बहुत रोई, मेरे आंसू का एक एक हिसाब मैं चुकाऊंगी, और मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगी जिस तरह मेरे को परेशान किया। फिर से चर्चा है कि आप फिर से चुनाव लड़ सकती हैं, तो क्या आने वाले समय में क्या क्या मुद्दों को लेकर इस बार जयाप्रदा जी उतरेंगी? जैसे आपने कहा कि मुझे दूर रखा गया, मैं बहुत रोई, कहीं ना कहीं इस तरह से आरोपों पर परेशानी हर आदमी को झेलनी पड़ती है, अगर इस बार मौका फिर से पार्टी देती है तो क्या किस तरह का रणनीति लेकर जयप्रदा जी उतरेंगी? ऐसा है ना, एक हर कदम पर परीक्षा है जीवन का, जब तक हमारे लिए टिकट कंफर्म नहीं है तो मैं ये उम्मीद नहीं रख सकती कि इस बार मैं चुनाव लड़ रही हूँ, ये पूरा हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को छोड़ते हैं, और उनके जो भी हिस्सा जो भी उनको मन में है अगर मैं काबिल समझते हैं तो वो लोग देंगे, उसके बाद हम बताएंगे। आखिरी सवाल, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश से सांसद रही हैं, इस समय जिस तरह से उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो समीकरण है वो पूरी तरह से माफिया मुक्त करने का, जिस तरह से लगातार योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं वो ये कहते हैं कि यूपी में जीरो टॉलरेंस होगा, लगातार इनकाउंटर के मामले आ रहे हैं, कल भी एक इनकाउंटर हुआ जिसको लेकर लगातार सवाल,
खुद अखिलेश यादव ने भी सवाल खड़े किए हैं, क्या कहेंगे इस समय उत्तर प्रदेश की कांग्रेस? ऐसा क्यों सोचते हैं आप? क्योंकि यहाँ जहाँ पे माफिया हो और जहाँ पे गुंडे राज चलता है, तो वहाँ पे हम लोगों को आदरणीय हमारे महाराज जी योगी जी इनको काबू में लाने के लिए कोशिश करते हैं और इनको सख्त के सख्त सजा दिलाने के लिए कानून है, तो कानून के ऊपर छोड़ते हैं ना जी। तो हम धन्यवाद कहते हैं कि इन चीज़ों से लोग कोई भी टिप्पणी ना करें और एक अच्छे माहौल पर हमारे जीवन और खास तौर हमारे आम जनता को रक्षा करने वाला योगी जी को मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ। साथ साथ हम बीजेपी में हैं तो मोदी जी और अमित शाह जी इस चीज़ों में लोगों को डेवलपमेंट के बारे में बहुत कुछ सोचते हैं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थी जयाप्रदा जी, जिन्होंने कहा कि योगी जी और मोदी जी अमित शाह जी का धन्यवाद है क्योंकि यूपी में जिस तरीके से अब कानून व्यवस्था सुधर रही है और इस पे सवाल खड़ा करना उचित नहीं है। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज, मुंबई।